हे एवरी वन दिस इज शानी दिनानी वेलकम यू टू माई ग्रीन्स और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ सो हम ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसका नाम था एंडेंजर्ड स्पीशीज़ तो वहाँ मैंने आपको आई यू सी एन स्पीशीज क्या होते हैं इन सब के बारे में बताया था साथ ही साथ हमने कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस uh, भी किया था लाइक वॉट वॉट आर द रीजन जिसकी वजह से वो बिल्कुल ऑन द वॉज ऑफ एक्सटिंक्शन है कुछ थे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज थे हमने उसको भी उसी वीडियो में डिस्कस कर लिया था बट नाउ वी नीड टू डिस्कस सर्टीन स्पीशीज जिनको एक्सटिंक्ट स्पीशीज के अंदर रखा गया जब हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट की ना इसका मतलब क्या है कि अब जो एनिमल जिस भी स्पीशी की हम बात करें या जो भी एनिमल ग्रुप की हम बात करें उनका जो लास्ट मेंबर था वो भी अब एग्जिस्ट नहीं करता यानी अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्पीशीज या किसी एनिमल का एक भी मेम्बर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा तब हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज या वो पर्टिकुलर एनिमल बर्ड क्या हो गए हैं एक्सटिंक्ट हो गए हैं सो दैट इज समथिंग जो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे ताकि हमको क्लियर हो एक तो एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है साथ ही साथ कौन से एनिमल्स हैं या स्पीशीज हैं जिनको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं क्लियर सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन किसको बोलते हैं लाइक व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट when अ स्पीशीज बिकम्स extinct ऑल इट्स जेनेटिक हेरिटेज इज लॉस्ट जब भी कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई है ऐसा कह रहे हो इसका मतलब कि उनका जितना भी जेनेटिक हेरिटेज है यानी जितने भी मेंबर्स थे उनमें से अब एक भी मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता सो व्हेन वी से समबड़ी लाइक सब एनिमल और सम स्पीशी हैज बिकम एक्सटिंक्ट इसका मतलब यू कैन नॉट फाइंड एनी मेंबर ऑफ दैट ग्रुप क्लियर सो इस तरीके से जब पूरी ही जेनेटिक हेरिटेज जा चुकी है खो चुके हैं हम मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गए नेक्स्ट क्या रीजंस हो सकते हैं

हो सकता है कि क्योंकि क्लाइमेट वेदर इन सब में चेंजेस आ रहे हैं इस वजह से जो एनिमल है जो बर्ड है वो नहीं सह पाए उस क्लाइमेट चेंज को एंड एक्सटिंगशन हो गया सो so, एक क्लाइमेट चेंज रीजन हो सकता है हो सकता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए जो कि सहनीय ना हो जो कि बोल सकते हैं कि एनिमल एडेप्टेबल ना हो जिस टेम्परेचर के लिए या फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग जो एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन है और एनिमल हैंडल नहीं कर पाए सो so, इन दोनों सिचुएशन में क्या हो सकता है एक्सटिंक्शन हो सकता है सेकंड रीजन कुड बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब ह्यूमन हैव ऑलवेज़ बीन डेंजर फॉर एनिमल्स बर्ड्स और एनी स्पीशी फॉर दैट मैटर बिकॉज पहले क्या होता था ना बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाती थी राइट बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता था जानवरों का और बिकॉज एनिमल्स को हंट करना इज समथिंग जो वो वापस से तो अटैक करेंगे नहीं सो यू कैन ईजिली डू दैट सो इस वजह से ये बहुत मज़ा आता था एक हॉबी मानी जाती थी एक जो जिसने भी सबसे बड़े एनिमल को कभी हंट किया हो तो एक बहुत ही ऊंचा एक दर्जा दे दिया जाता था कि वाह क्या काम किया एंड दैट इज हाउ धीरे धीरे एनिमल्स की स्पीशीज या बर्ड जो भी हैं वो सब कम होते गए एंड एक ये रीज़न भी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ओवर हंटिंग जरूरत से ज्यादा हंटिंग कर देना या फिर एक और अभी हम रीजन पढ़ेंगे सो ओवर हंटिंग की वजह से या फिर हंटिंग इसलिए भी की जाती थी कि कुछ एनिमल्स या कुछ बर्ड्स के फेदर्स हॉर्न्स टस्क ये सब बड़े काम के होते हैं एंड देवर बीन सोल्ड सो इन सबका बिजनेस होता था एक तरीके से एंड दैट्स वाई ऑल्सो हंटिंग की जाती थी नेक्स्ट रीजन हो सकता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट जब एक जंगल है जहां पर इतने टाइम से जानवर रह रहा है एनिमल आर आर स्टेइंग एनिमल्स स्टेइंग बर्ड्स आर स्टेइंग और एकदम से खुद के पर्पज के लिए खुद के एडवांटेज के लिए ह्यूमन बींग्स घर वर बनाना है फ्लैट्स बनाने बिल्डिंग बनानी होटल्स बनाने अगर उसके लिए पूरा एरिया जो है वो क्लियर कर दें सब पेड़ वगैरह काट दें डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही एक्सटेंट तक कर दें तो क्या होगा भाई जो रहने की जगह है वो तो गई एंड इफ द एनिमल्स और दर्ड्स डू नॉट है प्लेस टू स्टे हाउ विल दे सर्वाइव सो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है इट कुड बी ड्यू टू अडन क्लाइमेट चेंज इट कु ड्यू टू ओवर हंटिंग और इट कुड बी ड्यू टू हैबिटाट लॉस दैट इज एनिमल्स और बर्ड और द पर्टिकुलर स्पीशी हैज बिकम एक्सटिंट क्लियर ऑल राइट सो इस तरीके से आई होप ये क्लियर हो गया आपको एक्सटिंक्शन का मीनिंग क्या है What is the actual definition and what can be the reasons? अब हम बात करेंगे of different animals and species or the birds जो कि extinct हो चुके हैं। एक bird जो है वो तो सभी को पता है, which is dodo the bird, right? मतलब अगर extinct animals की बात करते हैं, birds की बात करते हैं, dodo is the one जो सबसे पहले दिमाग में आता है, because we have read a lot about it. Even poetry वगैरह भी होती है, poems वगैरह भी होती हैं आपके syllabus में based on the bird dodo. Now let's begin with the very first animal. या वेरी फर्स्ट वर्ड कहना चाहिए द वर्ड इज पैसेंजर पिजन

इट्स योर मर्जी नहीं पढ़ना मत पढ़ो सो so, इस तरीके से जो पैसेंजर पीजन है जिसको वाइल्ड पीजन भी कहते हैं इज एन एक्सटिंग स्पीशीज ऑफ पीजन दैट वॉज एंडमिक यानी कि बिल्कुल पर्टिकुलरली कहाँ मिलती थी इन नॉर्थ अमेरिका सो इस तरीके से दिखती है यू नो देखो कई ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं जिनको देखा भी नहीं गया आज तक और वो एक्सटिंक्ट हो गए या फिर उनका कोई पिक्चर था नहीं आज सिर्फ तो ना ऐसे बिल्कुल अलग से एक मॉडल टाइप खुद की मर्जी से बनाया गया जो भी याद था जिसको भी या जो भी रूवंस मिले हैं उस तरीके से उनका पिक्चर ड्रॉ कर दिया जाता है या स्पेसम बनाए जाते हैं तो जरूरी नहीं है वो एक्जैक्टली exactly वैसे ही हो क्लियर सो so, एक तो ये इमेज है जहां हम बात करें कि भैया जो पैसेंजर पीजन है आ, वो ऐसी दिखती थी सो so, इस तरीके से पैसेंजर पीजन जिसका नाम वाइल्ड पीजन भी है वो एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है ऑब्वियसली पीजन की जो कि पर्टिकुलरली एंडेमिक To North America. Clear? The name of the passenger pigeon means passing by due to the migratory habits of the species. अब ये जो स्पीशी है पैसेंजर पीजन की जो स्पीशीज है दीज वर माइग्रेटरी बर्ड्स तो जब भी इनके हिसाब से कंडीशंस वर नॉट अप्रोप्रिएट दे वुड माइग्रेट टू सम द प्लेस जहां पर इनके लिए कंडीशंस वर परफेक्ट सो इस तरीके से बिकॉज दे टू टू पास बाय ना दे बी माइग्रेटरी बर्ड माइग्रेट करते थे इसीलिए पासर बाय से नाम रख दिया पैसेंजर पीजन क्लियर सो इस तरीके से ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बर्ड नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द सेम बर्ड इज द दीजन माइग्रेटेड इन एनॉमस फ्लॉक्स टली सर्चिंग फॉर फूड शेल्टर एंड ब्रीडिंग ग्राउंड बर्ड इन नॉर्थ अमेरिका एक बार का ऐसा समय था जब नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पक्षी जो है वो पैसेंजर पीजन ही था सो so, इस तरीके से जो पीजन जो है पैसेंजर पीजन इट माइग्रेटेड इन एनॉमस फ्लॉक्स बहुत ही भारी भरकम झुंड में ये लोग माइग्रेट करते थे और लगातार माइग्रेट करते थे अब वो कुछ भी रीजन हो सकता है उनको खाना ढूंढना है इनको रहने की जगह ढूंढनी है इनको ब्रीडिंग के लिए प्लेस ढूंढना है इट कुड बी एनी थिंग बट येस वर मोस्ट अबंडेंट बर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट बर्ड्स इन नॉर्थ अमेरिका बट नाउ दे आर नो मोर एग्जिस्टिंग क्लियर ओके Passenger pigeons were hunted by Native Americans, which intensified after the arrival of Europeans. और होता क्या था ना? Passenger pigeon को बहुत ज्यादा hunt किया जाता था बहुत ज्यादा शिकार होता था इनका by Native Americans, जो भी अमेरिकन के Americans थे North America की हम बात करें साथ ही साथ ये जो hunting का काम है ये और बढ़ गया और ज्यादा hunt होने गया इस Passenger pigeon का after the arrival of Europeans, जैसे Europeans की entry हुई और hunting होने लगी इस वजह से number क्या हो गया भाई धीरे धीरे कम हो गया पैसेंजर पीजन का इसलिए भी बहुत ज्यादा शिकार होता था बिकॉज इसका जो मीट है जो मांस है पीजन मीट वो बहुत ज्यादा चीप होता था इट वॉज वेरी चीप फूड एंड दैट्स माई इजीली अवेलेबल हो जाएगा हर कोई खाएगा सो so इसीलिए इनको हंट कर देते थे सो दिस इज हाउ यू नो ह्यूमन बींगस ऑलवेज फॉर देयर एडवांटेज दे है कांट स्पीक राइट सो इस तरीके से आम, पीजन मीट वॉज वन ऑफ दी रीजन जिसकी वजह से इसको हंड किया जाता था देर आर सम मोर थिंग्स जस्ट डिस्कस दिंकिंग ऑफ द लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलशनसरी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज एंड वाइड स्प्रेड डिफोरेस्टेशन इट्स ऑल्सो और भी रीजन है देखिये ये जो रीजन है ये एक अनुमान लगाया जाता है कुछ कुछ एनिमल्स में तो आ, कुछ कुछ में डेफिनेट बताया जाता है कि यही रीजन रहा है सो इट कुड बी एनी थिंग ओके सो यहाँ पर पैसेंजर पीजेंग के लिए बोला है कि जो श्रिंकिंग ऑफ लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन लाइक जितना जरूरत था ना हाँ जितने ज़्यादा बर्ड्स होते पीजन्स होते एक प्रॉपर ब्रीडिंग स्पेस होती उनके पास तो उस वजह से प्रिजर्व कर सकते थे लोग कुछ स्पीशीज बच जाते बट दैट वॉज ऑल्सो द रीजन एक तो श्रिंक हो गया ब्रीडिंग पॉपुलेशन और इसलिए भी हुआ बिकॉज देर वॉज अ लॉर्ड ऑफ डिफॉरेस्टेशन बहुत पेड़ काट दिए जाते थे उनका पूरा जगह खराब कर दिया जहाँ वो रह रहे हैं वो है ही नहीं उनके पास स्पेस अवेलेबल दैट्स वाई दीज वर द रीजन्स दीज वर द मेजर रीजन्स प्रोमिनेंट रीजन्स बिकॉज ऑफ विच पैसेंजर पीजन हैज बीन एक्सटेंट क्लियर ऑल राइट मार्था वॉज द लास्ट नॉन लिविंग पैसेंजर पीजन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे आखिरी पैसेंजर पीजन तो था मतलब जो जिंदा थी लाइक अब तो ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो गए तो एक भी नंबर नहीं है इनका बट जो सबसे लास्ट मेंबर था पैसेंजर पीजन का दैट वाज मार्था सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाज द लास्ट नॉन लिविंग पैसेंजर पीजन नन अदर देन मार्था शी वाज नेम्ड मार्था इन ऑनर ऑफ द फर्स्ट लेडी मार्था वाशिंगटन तो वहां पे जो पहली लेडी थी और जो जिनको ऑनर किया जाता था रिस्पेक्ट थी उनकी मार्था वॉशिंगटन उन्हीं पर नाम रख दिया गया इसका मार्था पीजन बर फर्स्ट नाइनटीन फोर्टीन एट दिन सिनाती जू तो एक जू है सिनाती वहां पर उन्नीस सौ चौदह नाइनटीन फोर्टीन में ऑन द डेट सेप्टेंबर फर्स्ट मारथा डाई सो दिस इज हाउ अब एक भी नंबर प्रेजेंट नहीं है ऑफ पैसेंजर

सो यू कैन डेफिनेटली सी किसी तरीके से यू नो दर्ड इज देयर सो डोडो क्या है एक फ्लाइटलेस वर्ड है डोडो इज एन एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस वर्ड ये उड़ती नहीं थी बर्ड साथ ही साथ ये क्या है एक्सटिंक्ट है नो मोर एग्जिस्टिंग

Combined with habitat loss and losing competition with the newly introduced animals was too much for the dodos to survive. They that ki suppose the area make particular bird species, hai. Uh, they have been living there for years and years and years. Suddenly, एक नया एनिमल का इंट्रोडक्शन होता है इन दैट एरिया अब वो एनिमल ज्यादा पावरफुल है वो एनिमल उस बर्ड को खाता है एंड इफ द बर्ड और दैट पर्टिकुलर not strong इनफ टू फाइट बैक विद द एनिमल्स तो क्या होगा भाई एनिमल्स बहुत ज्यादा ओवर पार करेंगे सारे बर्ड्स को खा जाएंगे बर्ड्स का नंबर कम होता जाएगा करेक्ट तो एक वो भी चीज होती है कि यू you नो know, एक तरीके से कॉम्पिटिशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज दी अदर स्पीशी नॉट दैट लाइक पावरफुल सो दैट दिन फाइट विद द्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनिमल्स इन दैट एरिया इस वजह से भी एक रीजन हो सकता है कि वो एनिमल स्पीशी बर्ड स्पीशी जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता so, बहुत birds, साथ ही साथ बहुत उनका जो घर है जो है न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनिमल्स थे so them, इस से भी सर्वाइवल जो है बहुत डिफिकल्ट हो गया फॉर द बर्ड डोडो एंड दैट वॉज टू मच फॉर देम टू सर्वाइव दैट्स वाई दे आर नो मोर एग्जिस्टिंग क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम थान की तो अभी तक दो एक्सटिंक्ट एनिमल्स आई होप क्लियर है नेक्स्ट थाइलसिन इस तरीके का दिखता है ठीक है दिस इज द एनिमल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सॉर्ट ऑफ कैट जैसा है स्ट्राइप्स हैं इस वजह से भी अभी हम नाम पढ़ेंगे इसका टाइगर से लिंक कर दिया गया है नाम स्ट्राइप्स वगैरह है इसके वुल्फ जैसा भी चेहरा है कैट जैसा भी चेहरा है सो so, इस तरीके से दिस इज हाउ दिस एनिमल लुक्स लाइक विच इज था द थालसिन इज एन एक्सटिंक्ट कार्निवोरस मार्सूपियर

फॉर इट्स एक्सटिंक्शन बहुत बहुत ज्यादा हंटिंग होना बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता था थेलेन का दैट वॉज वन प्रोमिनेंट रीजन जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए बट अदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में हैवीन डिसीज द इंट्रोडक्शन ऑफ डॉग्स एंड ह्यूमन एनक्रोचमेंट इन टू इट्स हैबिटाल देखो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वर रीजन लाइक यही थे सी वॉट इज मैं यहाँ पे बट अदर कॉन्ट्रीब्यूटेड फैक्टर्स मे हैव बीन ये मे वर्ड जो है ना वो शायद के लिए यूज किया जाता है है ना मतलब देर इज अ स्ट्रॉग पॉसिबिलिटी कि ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं फॉर द एक्सटेंशन ऑफ थान लाइक द मेजर रीजन बट इट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि ऐसा ना हो करेक्ट सो थोसिन जो है आ, ऐसा भी कहा जाता है कि हो सकता है किसी बीमारी की वजह से इनका नंबर कम होने लगा हो सकता है बिकॉज डॉग्स की एंट्री हो गई तो एक कंपटीशन हुआ होगा तो इस वजह से इनका नंबर कम हो गया साथ ही साथ हो सकता है कि क्योंकि ह्यूमन बींग्स इनके हैबिटाट को इंक्रोच कर रहे थे बार बार हैबिटाट क्लियर करना उनकी जगह जो है वो कम होती जा रही है सो देवर नॉट एबल टू लिव ठीक है सो so, इसीलिए इनका एग्जिस्टेंस बिकेम डिफिकल्ट एंड दे फोर आर नो मोर सीन दे आर नो मोर एग्जिस्टिंग क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं फायरी नियन की सो दिस इज हाउ द एनिमल लुक्स लाइक ठीक है इस तरीके का ये दिखता है बहुत अलग सा ही इसका अपियरेंस है हॉर्न्स वगैरह देखो सो इट्स इजी ठीक है साथ ही साथ आपको ना एमसीक्यूज जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यू कैन एक्सपेक्ट बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है दैट यू गेट द पिक्चर ऑफ द एनिमल और द बर्ड एंड द क्वेश्चन कैन बी आज बताओ ये एनिमल या बर्ड एक्सटिंक्ट है वल्नरेबल है थ्रेटेड है एंडेंजर्ड है, है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है सेफ है एनीथिंग कुड बी आज यू के हिसाब से राइट right? सो so, इसीलिए अगर किसी का बहुत स्पेसिफिक क्लियर डिस्टिंक्शन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इमेज और द ड्रॉइंग प्लीज डू दैट सो इस तरीके से नेक्स्ट जो एनिमल है वो है पायरिनियन आई बैग्स मोस्ट कॉमन इन द कैंटेब्रियन माउंटेन्स अब यहाँ पे जो आई लिखा है ना इट शुड बी स्मॉल हा स्पीशी का नाम है तो ये नहीं हो सकता कैपिटल सो दैट इज समथिंग जहां पर एक प्रिंटिंग एरर है बट ठीक है ऑल राइट सो so, यहाँ पर छोटा आई आएगा इट के नॉट बी बड़ा कैपिटल आई बिकॉज Ibex पता है मतलब जिनको पता है कि जीनस स्पीशीज के नाम होते हैं जीनस इज विद कैपिटल लेटर और स्पीशी हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं तो इतना इंफॉर्मेशन इट्स ओके सो इस तरीके से पायरेनियन आईवेक्स जो है वो सबसे कॉमन कैंटेब्रियन माउंटेन्स में पाए जाते थे सदर्न फ्रांस एंड द नॉर्दर्न पायरस तो ये बहुत सारी सी जगह है जो हमको नाम भी नहीं पता होंगे ठीक है सो दे वर फाउंड इन कैंटेब्रियन कंटेब्रियन माउंटेन्सर्न फ्रांस एंड नॉर्दर्न

नेक्स्ट इज कॉम्पिटन विद डोमेस्टिकाइल्डो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिन ऑफ पायरेनियन आईबेक्सो देवर इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकाइल्ड अंग्यूलेट्स तो ये जो एनिमल्स हैं इनके साथ भी एक कॉम्पिटिशन बढ़ गया इनका एंड देवर नॉट एबल टू फाइट बैक दे वोट एबल टू सरवाइव इतना also, like the was also one more जिस वजह से इनका नंबर कम होता गया एंड दे बिकेम एक्सटिंक्ट क्लियर ओके इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव वाइल्ड स्पीशीज इन एरियाज ऑक्यूपाइड बाय द आई बैक्स इंक्रीज द ग्रेजिंग प्रेशर एज वेल एज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोथ नेटिव एंड एग्जॉटिक डिसीजेज देखिए कई कबार ऐसा होता है कि कई कबार क्या ऑब्वियसली ऐसा होगा जैसे देखो एक एरिया है ठीक है वहां पर पहले कोई एनिमल था या कोई ग्रुप था जो कि ग्रेजिंग करते थे घास वगैरह खाते थे अब सपोज उतने ही नंबर में एक और ग्रुप एंटर हो गया क्या होगा वो भी घास खाएंगे तो जो पहला ग्रुप है उसके लिए कम नहीं पड़ जाएगी ग्रास पड़ेगी अब खाना कम होगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे नंबर कम होता जाएगा सो दिस वॉज ऑल्सो द थिंग कि भाई जैसे ही अंग्यूलेट स्पीशीज जो है उनका इंट्रोडक्शन हुआ इसकी वजह से ग्रेजिंग प्रेशर बढ़ गया क्योंकि जितने भी ऑलरेडी खाने के लिए थी घास या जो कुछ भी है इट वॉज लाइक रिक्वायर्ड और इनफ फॉर द फर्स्ट ग्रूप बट नाउ मोर एनिमल्स एंटर्ड सो दिस बिकेम वेरी यू नो एक तरीके से डिफिकल्ट फॉर देम टू सरवाइव विद द उतना ही अमाउंट ऑफ घास सो इस तरीके से क्या हुआ ना ग्रेजिंग प्रेशर बढ़ गया साथ ही साथ बिकॉज एक नए जो एनिमल्स हैं या नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस हुई तो डिसीजेस का भी जो फैक्टर है वो भी बढ़ गया कि वो वहां की जो नेटिव डिसीज थी वहां पर जो पाए जाने वाली बीमारियां थी वो तो थी साथ ही साथ जो नई बीमारियां थी जो पहले वहां नहीं थी देसो एंटर्ड सो so, इस वजह से खतरा बढ़ गया एंड एज अ रिजल्ट पायरेनियन आईबेक्स जो है अब वो एग्जिस्ट नहीं करते क्लियर सो so, इस तरीके से इनका नंबर जो है वो डिक्लाइन होने का बहुत सारे रीजनस हैं बट दैट इज हाउ वी यू नो गेट टू नो कि हो सकता है इस रीजन की वजह से हो, हो सकता है ये भी एक रीजन रहा हो बिकॉज एक ही रीजन की वजह से पूरा नंबर कम हो जाना देखो का मतलब क्या होता है 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 कि एक ना बस ठीक ऐसा माना जाता है इट्स नॉट द परफेक्ट फैक्ट ठीक है तब हम कहते हैं so, इसके हिसाब से दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द इनएबिलिटी एबिलिटी टू कंपीट अदर स्पीशीज फॉर फूड इंफेक्शन डिसीजेस तो तो देखो ये ये भी कहता है, है, भी भी जाता जाता है 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 कि कि कहता मानते हैं अनुमान लगाया हो सकता है इन में वो ability नहीं थी to fight with other species for food. तो खाने के लिए वो इतना प्रॉपरली फाइट नहीं कर पा रहे थे बाकी लोगों के साथ तो खाने की कमी हो गई तो नंबर कम हो गया साथ ही साथ डिसीजेस का आना पोचिंग बढ़ जाना एवरीथिंग वॉज अ प्रोमिनेंट रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर एनिमल टू Not exist at present time. So इस तरीके से इनका नंबर जो है वो धीरे धीरे कम हो गया and now एक भी नंबर जो है वो बड़ा नहीं मतलब एक बच्चा नहीं है one जो कि extinct species की list में आता है so, sea cow was a very large aquatic mammal. तो so, इस तरीके से कुछ दिखता था ये mammal है aquatic mammal है और एक बहुत बड़ा aquatic mammal जो है ये रहा है

इट्स एक्सटिंगशन रिजल्टेड फ्रॉम सी अर्चिन पॉप्यूलेशन एक्सप्लोशन ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्पेशन ऑफ लोकल सी वाटर पॉप्युलेशन दिलिमिनेटेड दैलो वॉटर हेल्प ऑन विद सी का बोला जा रहे हैं यहाँ पे ये जो सी का दे फेड ऑन सम्प ठीक है अब ये जो है कम हो गया कैसे कम हो गया बिकॉज एक सी अर्चिन पॉपुलेशन बढ़ गई थी एंड बिकॉज ऑफ विच दे लाइक लोकल सी अदर पॉपुलेशन भी सब बढ़ गए बाकी एनिमल्स के और ये बाकी स्पीशीज जो है दे ऑल्सो फेड ऑन दिस स्कैल्स अब ये कैल्स जो खाने की चीज है मतलब जो सी में पाई जाती है अब ये इनका भी खाना है अब ये खाना कम हो गया खाना कम हो गया जिसकी वजह से सी काउस जो है इनका भी नंबर कम होने लगा एंड दैट इज द रीजन स्टेलर सी है दे आर नो मोर एग्जिस्टिंग सो इनका नंबर जो है वो इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि हंटिंग वॉज वन रीजन सेकेंड रीजन वॉज कि अर्चिन सी अर्चिन पॉपुलेशन बढ़ गया उनकी वजह से वॉटर कैल्प का जो अमाउंट था यानी कि जो खाना था इनका वो भी कम हो गया एंड दैट इज वाई इसका नंबर जो है वो और ज्यादा कम हो गया क्लियर ओके okay. आप थोड़ा बहुत हंट कर रहे हैं तो एक नंबर थोड़ा एटलीस्ट में रहता बट देवर लाइक एक ओवर हंटिंग चल रही थी जरूरत से ज्यादा हंट किया जा रहा था इनको एंड दैट इज द रीजन विच इज बिकॉज ऑफ विच टेलर सी का नॉट फार्म लाइक दे नंबर डिक्लाइंट क्लियर ओके नेक्स्ट जो एनिमल है वन जो कि एक्सटिंग स्पीशीज एनिमल्स की या, लिस्ट में आता है वो है वो ग्रेट ग्रेट सो दिस हाउ लुक्ड लाइक अगेन देखो एक इमेज बनाई गई है इनका स्पेसिफिक रियल पिक्चर मिलना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली वही होता है ना तब यहाँ तो पिक्चर क्लिक नहीं किया या फिर कोई, uh, नहीं था बट नाउ वट एवर इस तरीके से ग्रेट ऑक जो है इज अ स्पीशीज ऑफ फ्लाइटलेस

इस तरीके से इनका जो रहने का जगह है जो इनको चाहिए रहता था रहने के लिए स्पेस उस वैसी प्लेसेस बहुत लिमिटेड थी रेयर थी एंड सो दे हैड वेरी लिमिटेड ब्रीडिंग स्पेसेस क्लियर ओके विथ इट्स इंक्रीजिंग रेरिटी स्पेसिमेंट्स ऑफ द ग्रेट ओक एंड इट्स एग्स बिकेम कलेक्टेबल एंड हाईली प्राइज्ड बाय रिच यूरोपियंस अब होता क्या है ना जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू बहुत होती है करेक्ट अब ये जो स्पीशीज है या इनकी जो जगह है वो बहुत लिमिटेड होती थी लिमिटेड होती थी तो इनके जो अंडे हैं जो एग्स हैं वो भी बहुत लिमिटेड जगहों पे मिलते थे और इस वजह से इस एग्स का जो प्राइस है जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा माना गया एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से इनके जो एग्स हैं वो बहुत ज्यादा कलेक्ट किए जाने लगे और रिच यूरोपियंस जो है वो इसको बहुत ज्यादा हाई प्राइस में बेचने लगे एंड द लॉस ऑफ अर्ज नंबर ऑफ इट्स एक्स टू कलेक्शन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिमाइस एंड इज वाई इनका जो एग्स कलेक्शन बढ़ गया अगर अब एग्स कलेक्ट करोगे तो कहां से बर्ड आएगा तो स्पीशी नहीं बढ़ पाएगा एंड इज द रीजन जिसकी वजह से इनका नंबर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा बिकॉज ऑब्वियसली रेयर जगह रेयर जगहों पर अंडे मिलेंगे एग्स मिलेंगे एग्स जो है बहुत हाई प्राइस में बिकने लगे हाई प्राइस में बिकने लगे तो और वैल्यू बढ़ गई और एग्स जितना ज्यादा कलेक्ट करने लगे उतना नंबर इनका स्पीशीज का कम हो गया

तीनों नाम दिए गए हैं इट इज एक्सटिंक्ट कैट लाइक कार्निवोर्स ये कैट की तरह दिखने वाले कार्निवोर्स हैं और ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इनका नंबर अब बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता एनवायरमेंटल चेंजLack of food and human hunting are the reasons for extinction इसके क्या-क्या रीजन सबसे पहली बात एनवायरमेंटल चेंज पर्यावरण में चेंज वेदर में चेंज जैसी भी कंडीशन है उसमें चेंज समथिंग जिसकी वजह से वॉज पड़ा एंड नंबर कम हुआ सेकेंड थिंग इज लैक ऑफ फूड खाने की कमी वॉज दी अदर रीजन जिनकी वजह से इनका नंबर जो है कम होता गया नेक्स्ट इज ह्यूमन हंटिंग भाई ह्यूमन हंटिंग तो हर जगह पाई जा रही है सो बिकॉज ह्यूमन बींग्स है कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते बिकॉज ऑब्वियसली उनका नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता सो दीज आर द प्रोमनेंट और वेरी टॉप मोस्ट रीजन जिनकी वजह से ये जो पर्टिकुलर स्पीशी है साबरतूथ कैट दिस डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर क्लियर ओके नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्टर्न ब्लैक राइनासरस पे तो दिस इज हाउ वेस्टर्न ब्लैक राइनासरस लुक्स लाइक एंड ये भी अब एक्सटिंक्ट है सो द वेस्टर्न ब्लैक राइनासरस या फिर इसको कहा जाता है वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनासरस इज एन एक्सटिंक्ट सब स्पीशीज ऑफ द ब्लैक राइनोस यानी कि ब्लैक राइनोस का सब स्पीशी है ये ठीक है और स्पेसिफिकली ये वेस्टर्न ब्लैक राइनो या वेस्टर्न अफ्रीकन ब्लैक राइनो कहलाता है एंड दीज आर नो मोर

जो कि कंजर्वेशन स्टेटस जो कि पूरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सबसे रिलेटेड काम करता है इनकी एक रेड लिस्ट पब्लिश होती है जिसमें सारे एनिमल्स की लिस्ट होती है कौन एक्सटिंक्ट है कौन एंडेंजर्ड है कौन वनडर है कौन थ्रेटन है कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कौन है जिसका नंबर बेटर हुआ है कौन है जिसका नंबर और कम हो रहा है ये सारी चीजें इस लिस्ट में मैंशन होती हैं और आई यूसी क्वेश्चन वगैरह करने आयू सी को अच्छे समझना है तो आप एंडेंजर्ड का एम देख सकते हो उसमें एक क्वेश्चन मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है क्लियर

Hunting and poaching were the most prevalent reasons. फॉर वेस्टर्न ब्लैक राइनोज टू गो एक्सटिंक्ट अब ये जो एक्स्टिंक्ट हो गए राइनोसरिस इनके जो एक्सटिंक्ट होने के रीजन्स हैं वो बहुत सारे हैं एक तो हैबिटाइट लॉस जहां ये पाए जाते थे उस जगह का एकदम से धीरे 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 यू नो खराब होता गया खराब नहीं कह सकते मतलब छीन ली गई इनसे जगह जो रहनी है तो वो लॉस हो गया हैबिटाइट लॉस देन हंटिंग एंड पोचिंग ऑब्वियसली उस वजह से भी इनका नंबर जो है वो कम होता गया सो दीज आर द थ्री प्रेवलेंट या टू प्रेवलेंट रीजन फॉर वेस्टर्न ब्लैक राइनोज टू गो एक्सटिंक डन ओके नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द लास्ट बर्ड स्पीशिया लास्ट हम बोल लेते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज जिसकी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और वो है कैरोलीना पैराकिट ठीक है सो दिस इज हाउ कलरफुल ब्यूटिफुल कैरोलीना पैराकिट बर्ड लुक्ड लाइक पैरेट जैसा दिख रहा है तोते जैसा है ना और ये एक तोते का स्पीशी ही है सो so, कैरोलीना पैराकिट या फिर इसको कैरोलीना कॉन्योर भी कहते हैं इज एन एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ स्मॉल ग्रीन न्यूट्रॉपिकल पैरेट तो एक तरीके का तोता है ये पैरेट है और ये एक छोटा सा ग्रीन कलर का पैरेट है विच इज ऑल्सो नोन एज एज कैरोना पैरकीट द कैरोलिना पैरकीट वॉज फाउंड फ्रॉम सदर्न न्यूयॉर्क एंड विस्कॉन्सिन टू कैचॉम की टेनिस एंड द गल्फ मेक्सिको तो ये बहुत जगहों पर पाया गया है ये सदर न्यूयॉर्क में मिला है मतलब जब ये एग्जिस्ट करता था विस्कॉन्सिन में दिस वॉज फाउंडेनस इन गल्फ ऑफ मेक्सिको एवरीवेयर इट वॉज वाइड स्प्रेड बट नाउ इट्स एक्सटिक्ट क्लियर ओके

ट्रीज वगैरह काट दिए पूरा बैरन लैंड हो गया अब उस पर इनको एग्रीकल्चर करना है लाइक फार्मिंग करनी है सो so, इस तरीके से इनका जो घर है वो तो छिन गया एंड हैबिटा लॉस की वजह से दीज बर्ड्स और या फिर कैरोलिना पर, जो कैरेना पैराकिट है इसका नंबर भी डिक्लाइन होने लगा वर किल्ड इन लार्ज नंबर्स बिकॉज फार्मर्स अ पेस्ट ऑल्सो फार्मर्स इसको एडवांटेजेस भी मानते थे मतलब इसका बेनिफिट भी मानते थे बट साथ ही साथ इसको एक पेस्ट की तरह कंसीडर करते हुए कि भाई इनके को कम होने लगा कैरोलिना पैराकिट का क्लियर ओके अ फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देर एक्सटिंक्शन वॉज द अनफॉर्चुनेट फ्लॉकिंग बिहेवियर दैट लेट देम टू रिटर्न इमीडिएटली टू बर्ड्स हैड जस्ट बीन किल्ड और इनका जो एक फैक्टर था या इनका जो एक आदत था वो था फ्लॉकिंग बिहेवियर एक झुंड में फ्लॉक में दे यूज टू फ्लाई समवेयर और ये एक ऐसी जगह पर रुकते थे जहां पर वैसे भी बहुत सारे बर्ड्स को किल किया जाता है एंड एज अ रिजल्ट इनको भी किल किया जाता था सो so, इसकी वजह से इनको किल करना हैबिटेट लॉस होना पेस्ट की कंसिडर करके मारना ऑल दीज रीजन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ दिस बर्ड विच इज कैरोना पैराकीट क्लियर ओके This led to even more being shot by hunters as they gathered about the wounded दिस लेट टू इवन मोर बींग शॉट बाई हंटर्स एज दबाउटे क्या करते थे जो है, वो ऐसी जगह पे पहुंच जाते थे उड़ उड़ के जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे बर्ड्स की को किल कर दिया गया अब उन बर्ड्स की डेड बॉडी के अराउंड ये लोग जो है इकट्ठा हो जाते थे टू गैदर अराउंड वेड या डेड मेंबर्स अब इस जगह पे जैसे ही वो आते थे तो हंटर्स क्या करते थे इनको भी शूट कर देते थे इनको भी किल कर देते थे सो ओवरऑल हंटिंग की वजह से इनका नंबर गिरता गया क्लियर ओके okay.

बट यू नेवर न्यू दीज आर एक्सटिंक या वॉट वॉर द रीजन या क्या है जिस वजह से एक्सटिंक्शन होता है देन यू गॉट टू नो अबाउट इट सो इस तरीके से फैक्ट्स क्लियर हैं नाम क्लियर है एक्सटिंक्ट बर्ड या स्पीशीज के और भी लंबी लिस्ट है बट वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन बट ये यू वि गेट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट विडियो जो कि होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक एक्सटिंट स्पीशीज सो आई होप दट इज गोइंग टू बेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर श्योर मेक दिस अ हैबिटि आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो डू नॉट लीव द वीडियो दैट इज देयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक

वीडियो सब कुछ मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राइट बट यू ऑल्सो गेट सो मेनी अदर ऑप्शन टू एक्सप्लोर अगर आपको एन टी एस सी का प्रेपरेशन करना है ओलंपियाड का प्रेपरेशन करना है या फिर आप एग्जाम्पल वीडियोस देखना चाहते हो वन शॉर्ट रिविजन एम सी क्यूज एक्स्ट्रा लर्निंग रीजनिंग के फैक्ट्स मैथ्स के फैक्ट्स सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज मोटिवेशन सीरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर एक चीज अवेलेबल है ऑन आर चैनल एंड एवरी थिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू तो आपको कुछ पैसे नहीं चार्ज किए जाते हैं एंड यू गेट एवरी थिंग ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी इन फ्रंट ऑफ यू इन योर होम्स जस्ट बाय क्लिकिंग एंड गेटिंग द वीडियो राइट सो ये सब चीजें अगर आप चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे वेबसाइट से फॉर दैट यू टू डू इज जस्ट गो टू गूगल टाइप मैग्रेट्रीस डॉट कॉम जैसी वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा अब मैंने जो भी चीजें बताई सब कुछ देखो बहुत अच्छे से मैंशन है यहाँ पर एन ट एस सी चाहिए क्लिक कर दो ओलम्पियाड है क्लिक कर दो

अवेलेबल है नॉ वंस यू क्लिक ऑन द टॉपिक यू गेट दट फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेबस ओवरव्यू पढ़ना है क्लिक करो आपको जो है वीडियो इसका मिल जाएगा सो वंस यू गेट द वीडियो जस्ट स्टडी फ्रॉम इट मेक नोट्स एंड आफ्टर यू आर डन विद इट और आपको लगता है कि मुझे अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सेम सब्जेक्ट का क्लिक ऑन द क्रॉस आईकॉन एंड यू गेट द टॉपिक्स अगेन क्लिक ऑन द टॉपिक गेट द वीडियो अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहता हूँ द क्लास और द अदर सब्जेक्ट क्लिक ऑन द बैक बटन फॉलो द सेम स्टेप्स एंड गेट द वीडियो सो दिस इज हाउ इजी इट इज एंड दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू एक्सप्लोर द वेबसाइट बिकॉज सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं सो वाई नॉट टू टेक द एडवाटेज ऑफ इट सो दिस इज हाउ डू इज इट मैग्ड्रेस कॉम सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दशन टूडेज दर इज द एक्सटिंक्ट स्पीश एंड इन द नेक्स्ट वन वर गोइंग टू मीट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सो प्लीज सी दै वीडियो सो इफ यू फील दिस वॉज समथिंग वेरी बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव फॉर यू प्लीज गिव अ बिग फैट थम्स अपडियो ऑल्सो चाय दीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन ताकि सभी को uh, अगर किसी में इंटरेस्ट है एक्सटिंग स्पीशीज पढ़ने में दे कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस एंड इफ यू वांट आप शेयर कर सकते हैं मैग्न बीज के बारे में विजनी स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिले एंड येस डो नॉट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू डोट वॉन्ट टू मिस आउट एनी अपडेट सो वॉट टू डू इसे एंड सब्सक्राइब एंड वीव कम टू एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर व नेक्स्ट टू मीट टेरी सो नेक्स्ट टॉपिक टिल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाई